देव श्री जागेश्वर नाथ मंदिर में वीआईपी एंट्री पर लगे प्रतिबंध, गुस्साए भक्तों विरोध प्रदर्शन। भगवान के दरबार में सभी भक्त एक समान है। बुंदेलखंड के प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ क्षेत्र देव श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर में महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिर ट्रस्ट की ओर से वीआईपी लोगों के लिए अलग से दर्शनों की व्यवस्था की गई, जिसमें दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के लिए अलग से दर्शन करने के लिए मंदिर ट्रस्ट प्रबंधक ने स्वयं मंदिर के पीछे का द्वार खुलवा कर सांसद को अलग से दर्शन करवाए। वहीं शाम के समय दमोह विधायक राहुल सिंह के लिए संध्या आरती में दर्शन करने के लिए ट्रस्ट की ओर से अलग से इंतजाम करवाया गया, जिसको लेकर शिव भक्त भड़क उठे और विधायक के विरोध में जमकर नारेबाजी की। रात्रि के समय गर्भगृह के अंदर दमोह सांसद प्रहलाद पटेल भी 2-3 घंटे बैठे रहे। वह अलग से बैठकर भगवान जागेश्वर नाथ का पूजन किया। नियम के अनुसार गर्भगृह में किसी भी नेता या वीआईपी की एंट्री पूजन के समय नहीं होती। पूजन के समय केवल पुजारी बस मंदिर में रहते हैं, लेकिन सभी नियमों को ताक पर रखते हुए दमोह सांसद प्रहलाद पटेल के लिए मंदिर की सालों परंपराओं के साथ भी छेड़खानी की गई और उन्हें गर्भगृह में बैठाकर अलग से दर्शन कराए गए, जिसको लेकर भक्तों में आक्रोश है। नेताओं को सोचना चाहिए कि महापर्वों पर बांदकपुर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। 2 किलोमीटर की लंबी लाइन में लगकर भक्तों घंटों में भगवान के दर्शन कर पाते हैं। अनेक कष्टों का भी सामना करना पड़ता है। शिव भक्तों का कहना है कि बांदकपुर में वीआईपी दर्शन नहीं होना चाहिए। भगवान के दरबार में सभी भक्त एक समान है, कोई बड़ा छोटा नहीं। संवाददाता दमोह अभिषेक जैन। Yeah.